अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय 10 किचन विद समन। आज मैं आपके साथ अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, गुलाब जामुन। तो देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए 1 कप सूखा दूध है, किसी भी ब्रांड का ले लें, और 1 टेबलस्पून ये मैदा है, 1/2 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही ये इलायची के दाने हैं जिसे मैंने क्रश किया हुआ है। और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, आप घी भी ले सकते हैं, और 1 एग है। इन तमाम अशिया की हम अंडे के साथ डो तैयार कर लेंगे। और शीरे के लिए 1 प्याली चीनी है और 1/2 ग्लास पानी है। और इसे गुलाब जामुन को तलने के लिए हमें हस्बे ज़रूरत ऑयल की ज़रूरत होगी। अब तमाम चीज़ें एक बोल में डाल लें, और इसको मैंने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, और इसकी मैं नरम सी डो तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने इसकी डो तैयार कर ली है इस तरह। अगर आपसे सॉफ्ट भी हो जाए तो इसकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखे तो ये सेट हो जाएगी। अब इसकी मैं गोलियां तैयार कर लूंगी। अब इसका शीरा तैयार करते हैं। 1 अदद पैन ले लें, उसमें 1 प्याली चीनी और 1/2 ग्लास पानी डाल के इसे 5 मिनट तक इसे पकाएं, तो इसका शीरा तैयार हो जाएगा। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और शीरा तैयार। किसी भी शक्ल की इस तरह गोलियां तैयार कर लें, और ये ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स वगैरह लाइंस वगैरह नहीं रहे। अब 1 अदद मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया और फिर ज़रूरत ऑयल को हल्की आंच पे गरम करें, और इसमें 1 गोली डाल के चेक कर लें। ठीक है, अगर ज्यादा तेज आंच में या ज्यादा घी गरम में आप डाल देंगे तो एकदम से वो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे हल्की आंच पे लाइट ब्राउन कर लें। इसे चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन कर लें। गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें इसे मैं निकाल के शीरे में डाल दूंगी। तमाम गुलाब जामुन मैंने शीरे में डाल दिए, और इसे हल्की आंच में करके तकरीबन 5 मिनट तक इसमें मैं पकाऊंगी। 5 मिनट तक इसे मैंने हल्की आंच पे शीरे में पका लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की डिश तैयार है। तो मिलते हैं गार्निश के बाद। हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी गार्निश के साथ तैयार है। अच्छे से सॉफ्ट से हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। और आपको मेरी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आए तो इसे रेसिपी को लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।